हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरी चैनल पर। ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप ऑन पैसिव के रियल फाउंडिंग मेंबर है तो आप लोग 100% ये जानते हैं कि कंपनी में जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है और जो भी कुछ होंगे सही तरीके से होंगे। इसीलिए आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अब हमारे फाउंडिंग मेंबर में से 99 फाउंडिंग मेंबर जो नेगेटिव बातें करते थे, अब वो पॉजिटिव बातें करने लगे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर थे जो बार बार खास करके मैसेज करते थे, कॉल करते थे। अब मैसेज और कॉल पे सिर्फ पॉजिटिव लोगों के आने से ये 100% हम कह सकते हैं कि अब पॉजिटिविटी बढ़े हैं और नेगेटिविटी घटे हैं। हालांकि हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि ये मानवता के लिए खास करके प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं, लेकिन मानवता के लिए अगर प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं तो उसमें इनकम होना चाहिए। ये बस सही भी है। जब भी कोई इंसान कहीं भी काम करते हैं तो उनका सबसे पहला मोटिव होता है सक्सेस होना, और सक्सेस के साथ साथ मनी होना, क्योंकि ऑन पैसिव ने अभी बहुत ही कम मनी, बहुत ही कम पैसा लोगों को दिए हैं और ज्यादातर पैसा लिए हैं। लेकिन कंपनी ने यह भी बताया है कि बहुत ही जल्द आप लोगों को बहुत ही बड़ा और बहुत कुछ मिलने वाला। जैसे कि पिछले वेबिनार में एस फ्रेशर आए और उस वेबिनार में खास करके ये कहते हुए नजर आए कि हमारा जो सिस्टम है बहुत ही जल्द ऑटो पायलट मोड में आ जाएंगे। डेट्स मीन ऑटो पायलट मोड में काम करेंगे, मतलब जो भी काम होगा ऑटोमोशन में होगा, ऑटोमेटिक होगा। मतलब हमारे नीचे जो ट्रैफिक आएंगे वो ऑटोमेटिक आएंगे, हमारे वॉलेट में जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी ऑटोमेटिक होगा, और हमारे नीचे खास करके बहुत बड़ा यूजर बेस जो आएंगे वो भी ऑटोमेटिक होगा। मतलब ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी ना करें तब भी आपके ऑटोमेटिक का जो खास करके ट्रैफिक है यूजर से, वो आपके पास आएंगे। जो आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक रेवेन्यू जनरेट होने वाले हैं वो आपके वॉलेट में तो रिसीव होंगे। डेट्स मीन ये फाइनल हो चुका है कि अब हमारा सिस्टम बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों को यह मानना है कि इतने बड़े लेवल पे पहुंचे फिर भी अभी तक हमारा वेबसाइट लाइव हो नहीं पाया। तो आप लोग देख लीजिए, कोई भी सिस्टम जब बड़े लेवल पे माइग्रेट होते हैं ना, बड़े लेवल पे उसके चेंजिंग होते हैं ना, तो उसमें समय लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चेंजिंग करना आसान है, ये बात सही है, लेकिन बड़े लेवल पे चेंजिंग करने में समय लगता है, क्योंकि सिस्टम अभी फिलहाल हम लोगों का रेडी हो रहा है। कभी भी कंपनी के सीईओ ये नहीं बताएं कि हमारा सिस्टम रेडी हो चुके हैं, बल्कि ये बताएं कि हम रेडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन में लगे हुए, और प्रिपरेशन या रेडी करने में जो समय लगता है वही मेन टाइम होता है। उसके बाद अगर एक बार रेडी हो जाएंगे तो फिर बीच में आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होते चले जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम आगे बढ़ चुका है, और ये जो हम लोगों का जनरी है, खास करके हम लोग कह सकते हैं इतना दिन से हम यहाँ पे हम लोग जुड़े हुए हैं, इतना दिन से हम लोग यहाँ पे एक मिलजुल के काम कर रहे हैं, कह सकते हैं कि हमारा जो ऑन पैसिव का जो ट्रैफिक है या क्राउड है या फाउंडिंग मेंबर है, जो हम लोग एक साथ फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इतना ट्रैफिक, इतना यूजर्स को कंपनी के सीईओ एक साथ बांध के रखने में कामयाब होना, ये छोटी मोटी बात नहीं बल्कि ये बहुत बड़ी बात है। आप इसके बारे में जो भी सोचें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।